मेरा नाम अशफाक अहमद है, घर मेरा डरिया बिलार है, पोस्ट करपुरी ग्राम, जिला समस्तीपुर, थाना समस्तीपुर, और वार्ड में वार्ड नंबर मेरा 15 है। हमको बहुत पहले से चीनी था, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पास चीनी है, तो एकाएक हम चक्कर खा के गिर गए। उस वक्त में मेरा 450 से ऊपर मेरा चीनी था, तो नापा गया चीनी तो 530 या 533 मेरा चीनी था। तो हमको ICU में लोग ले जा करके भर्ती करा दिया, वहाँ निकल गया कि इनको चीनी है। तो उस वक्त चीनी मेरा था 530। तो इलाज हुआ तो इंसुलिन पड़ता था सुबह शाम, तो वहाँ 5 दिन ICU में भर्ती रहे। उसके बाद डॉक्टर ने वहाँ से नाम काट दिया, तो दवा लिख दिया, अंग्रेजी दवा। दवा का नाम है ग्लाइकोमेट GP24। एक डेली सुबह में खाते थे, लेकिन खाने के बाद हमको नुकसान बहुत हुआ कि आँख की रोशनी चली गई। तो अब ठीक हो जाइएगा, तो दवा खाते हुए ही अंग्रेजी दवा जब खाना शुरू किए तो आँख की रोशनी चली गई। अब सोचिए, हम एक तो डायबिटीज हो गया, दूसरा नंबर की मेरी आँख की रोशनी चली गई, अब हम करें तो क्या करें। देखो आयुर्वेदिक दवा देते हैं डायबिटीज़ का, तो इनसे मिले हम, तो 6 महीना हम दवा इनका खाए हम, तो मेरा चीनी अभी जो है मात्र 127 है। खाना खाने के बाद चावल रोटी खाना खाने के बाद टेस्ट किया गया तो 127 है ये। हाँ, तो अब जो दवा है मेरा 6 महीना खाने के बाद मेरा दवा अब बंद हो गया है। कितना दिन से आपका दवा बंद है यहाँ से? 1 महीना से दवा मेरा बंद है, आयुर्वेदिक दवा मेरा 1 महीना से बंद है। उसके बाद भी चेक किया गया है तो मात्र 127 मेरा आया। पहले से अभी कैसा महसूस हो रहा है? पहले से बहुत फिट है, हम चलने फिरने में भी ठीक है। पहले 10 कदम चलते थे तो दम फूल जाता था। आँख की रोशनी अभी कैसा है? आँख की रोशनी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत पहले से अच्छा है। और ये दवा खाने से हमको बहुत फ़ायदा है, एक तो चीनी मेरा ख़त्म हो गया और आँख की रोशनी मेरी ठीक है अभी। मेरा नाम शंकर कुमार है, मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। मेरे शुगर बहुत दिन से था, मुंबई में मैं जॉब करते हैं शिपिंग लाइन में, वहाँ मालूम पड़ा कि शुगर आपको ज़्यादा है। मैं चेक कराया 200 के लगभग आया, दवाई खाते खाते कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसके वजह से परेशानी ज़्यादा हो रहा था। घर आए मालूम पड़ा कि भागलपुर में AK राय करके कोई आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल करके जड़ से छुटा देता है, तो मालूम पड़ा। फिर मैं भागलपुर आके AK राय डॉक्टर साहब से मिले, उसने हमको दवाई का कोर्स चालू कर दिया लगभग नवंबर से चालू करते हैं। बीच बीच में स्वीट जो भी है खाने पीने के खाते रहे, मतलब बढ़ना कम हो गया, धीरे धीरे कम होते गया। अभी तो ऐसा आप स्वीट भी खा लेते हैं, चावल राइस आलू जो भी है खाने के बावजूद भी शुगर बढ़ नहीं रहा है। अभी मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, स्वीट भी कल खाए, सब कुछ खाने के बावजूद भी रोटी राइस 123 आया, तो स्वस्थ लग रहा हूँ, मुझे कोई तरह का दिक्कत नहीं है। पहले जितना दिक्कत था अभी कोई अनुभव नहीं लग रहा कि वैसा होना चाहिए, अभी स्वस्थ है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि जिसको भी शुगर है एक बार अवश्य पधारे भागलपुर में AK राय के पास, वो अच्छे से अच्छे पुराने से पुराना जो भी बीमारी है शुगर के माध्यम से 100% सही करेगा, क्योंकि मुझे अनुभव हुआ है, एक बार जरूर आके देखिए। कोई भी दवाई नहीं खा रहा हूँ, मतलब वन वीक से ज़्यादा ही हो गया। अभी नॉर्मल मेरा 123 है, जो कि कल मैं स्वीट भी खाया, रसगुल्ला भी खाया, राइस भी खाया, कोई तरह का मुझे शुगर का प्रभाव नहीं दिखा रहा है और मैं फिटनेस में सही हूँ।